नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिले में हो रहे राजनीतिक दलों द्वारा धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अलर्ट मुद्रा में है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर से लेकर हर तहसीलों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है और धरना प्रदर्शन पर विशेष निगाह है। आइए सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। एक मिनट रुक जाओ भैया। चलिए, हाँ सर, ललित समय टकराव देखते हुए देखिए, पूरे जनपद में हाई अलर्ट किया गया है और सब जगह पुलिस की पूरी चौकस व्यवस्था है। सारी तहसीलों पर व्यवस्था है, पूरी हमारी पुलिस मोबाइल में है। यहाँ भी आपने देखा कलेक्ट्रेट पर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा, सपा वालों का, कांग्रेस वालों का और अन्य दलों का, यहाँ भी पूरी तरह व्यवस्था है। और मैंने खुद सुबह भी चेक किया था और अब भी चेक किया था, हमारे सारे कर्मचारी मुस्तैद हैं और बिल्कुल कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ लोग सर लापरवाही पाया गया सर आज? देखिए, ये पुलिस बल बड़ा पुलिस बल है और इसमें कुछ लोग अगर लापरवाही करते हैं तो डांट फटकार चलती रहती है। वो हमारा अपना परिवार का मामला है, तो कहीं ड्यूटी सतर्क भी मिलती, कहीं थोड़ी सतर्क नहीं मिलती, तो उन्हें सचेत किया जाता है। कितनी व्यवस्था की गई, सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था पर्याप्त है और परफेक्ट व्यवस्था है। जैसा आप देख रहे हैं, दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगी हुई है, बीच में शांतिपूर्ण ढंग से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होगा।